तो गुड आफ्टरनून एवरीवन और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज देख सकते हो मेरे पास दो कीज हैं, एक है डोमिनो और दूसरा केटीएम। दैट मींस 250 डोमिनो और 250 केटीएम, जो आज की हॉट सेलिंग बाइक में भी ज़्यादा बिकती भी है और बाय द वे दिखने में बहुत ही ज़्यादा अपीलिंग लग रही है। तो आज ये दोनों का कंपैरिजन होगा छोटा सा, उसमें आप देख सकते हो क्या मेरिट डिमेरिट है और कितना प्राइस पॉइंट में आती भी है प्लस पॉइंट। और इसको एक ड्रैग किया जाएगा छोटा सा यहाँ पर स्ट्रिच पे पुल के पास, पोस्ट टूरर बाइक में आता है और ये पूरा आता है नेकेड स्पोर्ट्स में आता है। इसका जो एजी लुक है वो फ्यूचर अपीलिंग देता है नो डाउट। गाड़ी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव दिख रही है 250 सेगमेंट में। और डोमिनार इसमें सिर्फ एक अंतर है जो आप बहुत इजीली आप डिनोट कर सकते हो कि क्या बहुत ज़्यादा इश्यूज है, बस टायर साइज़ का, क्योंकि इसमें 110 और 150 टायर साइज दिया हुआ है। और इसका जो टायर है इसके कंपेरिजन में थोड़ा पतला लग रहा है, आप देखेंगे पर देख सकते हो पतला लग रहा। बाद बाकी दोनों का सेम है, अप एंड डाउन सस्पेंशन दिया हुआ है, LED सेटअप का हेडलाइट दिया हुआ है और जो मीटर में भी है ये BS4 का मीटर कैरी करती है। स्क्रीन पर बूट कर देता हूँ, इस पर इंडिकेटर वगैरह नहीं दिखाता, गियर इंडिकेटर पोजिशन वगैरह नहीं दिखाता। बट अब KTM को कोई भी बाइक ले रहे हो 125 से लेकर के कोई भी बाइक ले लो, उसका जो है मीटर कुछ ज़्यादा है इन्फॉर्मेशन कैच करता है, इसमें सब कुछ है, आपका कितना माइलेज दिखा रहा नहीं दिखा रहा हर एक चीज़ में दिखाता है। और बाय द वे लुक वगैरह अपने पर्सपेक्टिव में डिपेंड करता है, बार बार मैं बता रहा हूँ। इसका इंडिकेटर्स लेकर सब कुछ, क्योंकि बजाज ही हेल्प करता है KTM को मैन्युफैक्चर करने में और नो डाउट इंडिकेटर और पार्ट शेयरिंग पूरा ज़्यादा हुआ है। तो बाय द वे मैं इसका एक छोटा सा पावर स्पेक्ट्स की बात कर लेता हूँ। तो पावर क्या प्रोड्यूस करती है कि 2.48 cc सेगमेंट में आती है जो पावर प्रोड्यूस करता है KTM का, 27 Nm का टॉर्क और 30 bhp प्रोड्यूस करती है, जो कि एक हाई एक छोटा cc के लिए दैट मींस सिंगल सिलेंडर हाई कंप्रेशन रेशियो के साथ में आता है, तो 30 bhp बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है। और अपना जो डोमिनार है ये डोमिनार 250 है, तो इसमें जो पावर है वो उसके अकॉर्डिंग वो थोड़ा सा डाउनग्रेड है, क्योंकि ये कंफर्ट और टूरिंग कैपेसिटी बनाया गया है। तो डोमिनार के बारे में बात करो पावर का, तो भाई साहब इसका पावर है 23.4 Nm का टॉर्क और जो पावर है 27 bhp का पावर है, 27 bhp और KTM 30 bhp, तो 3 bhp का अंतर है। तो बिना कोई देरी किए हुए ट्रैक करवाता हूँ और पता चल जाएगा क्या आउटपुट रिजल्ट है। बाय द वे ये जीतेगी भाई ये अंतर्यामी जीत जाएगी। सो लेडीज एंड जेंटलमैन एंड बॉयज एंड गर्ल्स, आपके सामने आ चुका है डोमिनार 250 ब्रांड न्यू और KTM फैन बॉयज के लिए KTM 250 ब्रांड न्यू। तो फिलहाल यहाँ पर होगा ड्रैग रेस, और ड्रैग रेस करने से पहले आप सबको हम एक वो एग्जॉस्ट नोट सुना देता हूँ कि फिलहाल ये है आइडियल में इसका एग्जॉस्ट का साउंड, थोड़ा रेव करते हैं इसको। डुअल बैरल साउंड प्रीटी कूल ब्रो। और ये आता है KTM 250 डाल, ये इसका आइडियल साउंड हो गया। अब सेम सेटअप आपको 390 में मिलता है नो डाउट। इसका हो गया फर्स्ट सर्विस, चलो सही है, इसका ऑलमोस्ट होने वाला है। तो तीन हॉर्न पे स्टार्ट करेंगे ठीक है। तो बाय द वे तुम्हारा वेट कितना है, वजन कितना है तुम्हारा? 53 वेट है, तो वेट का भी यहाँ एडवांटेज जैसा एडवांटेज जरूर मिलता है ठीक है। तीन हॉर्न पे, एक दो तीन, इस राउंड में तो हमें निकलेगा कुछ हो जाए, क्योंकि लॉन्चिंग में उसको दिक्कत था। नहीं भाई ये होना नहीं चाहिए था, अरे ये होना नहीं चाहिए था बे। भाई साहब दैट्स कॉल मास्टरपीस, भाई साहब सिंगल सिलेंडर हाई कंप्रेस रेशियो वाला बाइक भाई उसको बीट नहीं कर पाएगा ये। हाँ, इस ड्राइवर के स्किल के मुताबिक अगर हम निकल भी पाते हैं तो मेरा खुद का स्किल होता है, बट गाड़ी को कोई नहीं बीट कर पाएगा भाई। राइडर चेंज नो डाउट जीतेगा यही, क्योंकि इसका वेट हल्का है तो हम थोड़ा उसमें चल जाते हैं, भारी वेट देते हैं ताकि देखते हैं क्या आउटपुट निकलता है। तो यहाँ से भी सेम तीन राउंड करेंगे ठीक है, सेम गियर पैटर्न है, कोई अंतर नहीं है ठीक है। एक दो तीन, आ जाओ
रहा है, उसको मौका दे रहे हैं डोमिनो निकलने के लिए। लेट्स सी क्या होता है। थोड़ा हम एक्सीलेटर कम किए हैं ताकि ये निकले, उसके ऊपर व्यू करने की कोशिश करेंगे ताकि डोमिनो को देख सके पास में से कितना भागती है। ये छोड़ दिए हैं कहीं गाड़ी आ रहा था, क्योंकि गाड़ी आ रहा था इसलिए हम छोड़ दिए, लेकिन भाई यही जीतेगी और इसी को ही जीतना है। ये कहां से आ गया भाई साहब, वहां पर गाड़ी आ गई थी इसलिए पूरा उसको मौका दिया, नहीं तो भाई यही जीत जाती। बहुत प्यारा, बहुत प्यारा। तो ये थर्ड क्लिप लेंगे, थोड़ा अच्छा लेंगे क्योंकि हर बार कोई ना कोई दिक्कत हो जा रहा है। रुको रुको, कैमरा रोलिंग, ठीक है, एक दो तीन। वो निकल गया, तो काम था निकलना। तभी ना नहीं तभी चलेगा, कसम से सोचे नहीं थे। चल मेरी जान, तू भी 250 है, तू भी जाएगी। अरे भाई साहब, तू नहीं जाएगी क्या? बहुत लंबा गैप बना दी भाई, कोई एंगल से नहीं जीत पाएंगे हम लोग। नहीं होगा, नहीं होगा भाई, अब तो एकदम नहीं होगा। ओ भाई साहब, बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हुए बट स्टिल डोमिनार हार गई। KTM 390 हो, KTM 250 हो, भाई साहब 390 डोमिनार हरा जाती है, 400 को 250 हरा देती है, क्योंकि भाई KTM हाई कंप्रेशन रेशियो वाला इंजन है, बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव पावर पंच करती है। ये लॉन्ग टाइम इंजन है, मे बी ये इंजन खुल सकता है बट ये खुलने में टाइम लगेगा क्योंकि पावर कम है इसका, दैट्स वाई। बाय द वे, जिस प्राइस रेंज में 250 आती है उस प्राइस रेंज में डोमिनार 400 आती है, तो उसका भी एक कंपेरिजन बनता है, उसको बनाऊंगा, उसके बाद बताऊंगा कि भाई साहब पेमेंट किस पैसा मैटर करता है कि पावर। भाई मजा आ रहा हूँ, चैनल को क्या करना है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब। तो मिलते हैं इस तरह नेक्स्ट वीडियो में, तो बाय बाय एंड टेक केयर। अभी ड्राइव हुआ, कैमरा ऑन नहीं हुआ, गजब हो रहा है भाई। GoPro क्या है तुमको?